हम लोगों ने लिख के दिया है, उसी पत्र के आलोक में यमराज आपसे मिलने आए हैं समझौता करने के लिए। आप उठिए, सुन रहे आपके यहाँ भागलपुर के अस्पताल घाट में जो व्यवस्था है, मरने को मन नहीं करता है, पीने का पानी नहीं है, बोरिंग बंद है, पूजा का कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे पास निगम के यदि चलेगा घाट में पार्टी है, पल्ला है, चिल्ला है, बेचा का जरूरत पड़ता है, पार्टी का जरूरत पड़ता है, वो नहीं है। एक डॉक्टर आखिरकार संकेत ही सही, पृथ्वीलोक पर भागलपुर में यमराज का आगमन हुआ। यमराज के पधारने के साथ ही हलचल सी मच गई। खुद यमराज और उनके साथ चित्रगुप्त भी थे। भागलपुर के कचहरी चौक पर कोरोना से बचाव हेतु मास्क और वैक्सीन लगाने के लिए हड़काने लगे। उसी कड़ी में जब सांकेतिक रूप से एक चचरी पर लाश को ले जाया जा रहा था तो यमराज ने रोका और कहा कि अभी इसके मृत्यु का वक्त नहीं आया है, नरक लोक में भी जगह की कमी हो रही है। उसी बीच भागलपुर के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर लौट रहे थे तो उन लोगों की साक्षात मुलाकात यमराज से हो गई। चूंकि दो दिन पहले यमराज को चिट्ठी लिखकर उनके पते पर भेजने की बात हो रही थी, संयोग से मुलाकात हुई तो यमराज को पृथ्वी लोक के भागलपुर वासियों ने अपना दर्द सुनाया, शमशान घाट की व्यवस्था और मृत शरीर के साथ प्रताड़ना की बात बताई। पूरे घटनाक्रम को नाटकीय अंदाज में पेश किया गया है। खास मौके पर प्रोफेसर आनंद मिश्रा, सोनू घोष, विनय सिन्हा, कन्हैया लाल समेत कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप भी देखें, कोरोना महामारी के दूसरे स्ट्रेन में यमराज सबसे पहले भागलपुर पहुंचे हैं। पावर्ड बाय मम्मी किचन, इंडिया बिगेस्ट मल्टी प्रीमियम ब्रांड ऑफ फूड डिलीवरी। श्री इवेंट, अ कंप्लीट इवेंट प्लानर। जो लेटर बनाया है यमराज के द्वारा, क्या लेटर में लिखे? लेटर में अभी यमराज को स्मारक पत्र दिया जाएगा, अभी जिलाधिकारी को स्मारक पत्र दिया गया। मुख्य रूप से भागलपुर श्मशान घाट जो भरारी का है, उसमें जो नगर निगम की अक्रमान्यता है, जो उदासीनता है, उसके विरोध में हम तमाम शहर के समाज सेवियों ने, पूजा समिति ने, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने एक प्रोटेस्ट किया और डीएम को एक स्मारक पत्र देने जा रहे हैं कि हमारे यहाँ पुराना हो रहा है, कोविड-19 है, इसके बाद भी हम लोग मरने के लिए अब तैयार इसलिए नहीं है कि मरने के बाद भी घाट पर जो अव्यवस्था है उससे हम लोग मरने के बाद भी परेशान हैं, हमारे परिजन व्यथित हैं, वहाँ न पीने का पानी है, दो बोरिंग है, दो प्याऊ है, दोनों प्याऊ हमारा नहीं चल रहा है, खराब है, मास लाइट नहीं है, कुदाल नहीं है, बेलचा नहीं है, हमारे पास हवा को रोकने के लिए चदरा का टीन नहीं है, ऐसे तमाम सारी सामग्री नहीं है, स्टैंड नहीं है, शेड नहीं है, जो लोग मरने के लिए जाते हैं मरने के बाद भी उनको जो है मुक्ति नहीं मिल रही है, इसलिए हम लोग यमराज को गुहार करने आए हैं कि हे यमराज महोदय, 30,920 रुपया हमको खाली मरने के बाद जलने में लगता है, हमने उसका विरोध किया, इसलिए घाट की व्यवस्था में जो हमारे घाट राजा हैं उनके तरफ से अनाप शनाप की मांग की जाती है। हमारे शब्दागिरी में जो हमारा बेचारा स्वीपर है, मल्लिक है, उनके बारे में नगर निगम सोचने के लिए तैयार नहीं है, उससे काम ले रही है लेकिन 2020 के बाद उसको कोई पेमेंट नहीं हुआ है, हमारी लड़ाई वो भी है। हम सिर्फ जिलाधिकारी के संज्ञान में ये बात लाना चाहते हैं, यमराज के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं। आपने देखा कि प्रशासन या हम जो जनता के हित में कोविड-19 के विरोध में हम लोगों ने मास्क बांटने का काम किया, हमारे यमराज महोदय जो धरती पर आए हैं वो लोगों के बीच में मास्क बांट कर लोगों के बीच जागरूकता पैदा कर रहे हैं। आज हमारा यमराज के साथ भी डीएम के मिलने के बाद वो चिट्ठी हमारे यमराज महोदय को भी दिया जाएगा
कि मामला श्मशान घाट का क्या है। यदि भागलपुर का श्मशान घाट ठीक हो जाएगा तो सुल्तानगंज, कहलगांव और बिहार के चंद घाटों की स्थिति में सुधार आएगी। हम सरकार के संज्ञान में ये बातें लाना चाहते हैं। हमारे साथ भगवान यादव जी, प्रकाश चंद गुप्ता जी, हमारे यमराज भाई, अजय अटल जी, हमारा चित्रगुप्त जो धरती पर आया है, ये सारे लोग इस मुद्दे पर सरोज झा जैसे कई लोग हैं समाज सेवी, जो आप अभी डीएम के यहाँ जो रिप्रेजेंटेशन में गए हैं, हमारे यहाँ डॉक्टर आनंद कुमार मिश्रा जी, हमारे विनय कुमार सिन्हा जी, सोनू घोष, जयनंदन आचार्य, कई लोग हैं। अपना परिचय दीजिए। कमल जायसवाल मेरा नाम है, मैं जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता। राजपांडे घाट पर किसी से छुपा नहीं है, आपके परिवार के लोग भी जाते हैं, आप भी जाते हैं, स्पष्ट रूप से जो वहाँ के राजा कहलाते हैं, जिनको जिसे हम लोग अग्नि लेते हैं, जो हमारी धर्म के असार से जो मजबूरियाँ हैं, उस मजबूरिया का लहर फायदा भी उठाया जाता है। क्या बोले जिलाधिकारी, क्या बोले जिलाधिकारी ने कहा, हम लोगों ने कहा है, इसलिए बातें पहले भी कई बार उठी है, उन्होंने कहा कि नगर निगम की यह जिम्मेवारी बनती है, नगर निगम के जो हमारे अधिकारी हैं हम उनके साथ बात करते हैं। हमारे आनंद भैया ने कहा भी कि आपसे जो एक शिष्टमंडल है उनके साथ, नगर निगम के अधिकारी के साथ बैठिए, तभी कोई जो है समस्या का समाधान हो सकता है। ऐसे बात तो पहले से भी चल रहा है, बरसों से ये बातें हो रही है, लेकिन इस बार यह बात दबेगा नहीं। जब तक बिना पैसा का दाह संस्कार नहीं होगा, तब तक हम बुद्धिजीवी लोग, हम समाज के लोग, हम शांति समिति के लोग इसके लिए लगे रहेंगे। अभय कुमार घोष, हमारे गांव के जनता जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जिनका उम्र हो गया है 65-70 वर्ष, वो इस चिंता में रहते हैं कि हमारा बेटा जैसे गंगा ले जेतो कि नहीं पोखरी में जलाए, तो ये चिंता बहुत सताता है। हम लोग गांव घर से जुड़े हुए हैं और इसीलिए इसको हम लोग समझते हैं कि ये चिंता उनका हम लोगों को दूर करना है, कि उनको गंगा, एक गंगा के किनारे रहने का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और ऐसे में यदि उसको पोखर में जला दिया जाता है, बगल में कहीं दफना दिया जाता है, तो ये हम लोगों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसीलिए इस मुहिम को हम लोग कह रहे हैं कि वहाँ जो भी एक्सटॉर्शन होता है, एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है, उसको बंद करने का कोशिश जनजन की समस्या है, जो हर अमीर और गरीब के साथ जो एक समस्या है, भौतिक समस्या है, वो है श्मशान घाट। आज स्थिति श्मशान घाट की ये है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप मर नहीं पाते हैं। व्यक्ति इस बात को लेकर, इस भाव को लेकर के जिंदा रह करके बराबर मर रहे हैं। आज भागलपुर की शांति समिति की टीम, सारे बुद्धिजीवी लोग, हम लोग ने पहले भी यमराज को एक खत लिखा था, और आज भागलपुर के जिलाधिकारी से हम लोगों ने विशेष अनुरोध किया है कि सर, किसी भी परिस्थिति में यह जो बरसों से यह मामला चल रहा है, इस मामला को दूर किया जाए। घाट पर जो गुंडागर्दी हो रही है, एकदम डायरेक्ट किस परिस्थिति में लोग घाट पहुंचते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं क्या स्थिति होता है, लेकिन वहां पर स्थिति को बदल दिया जाता है। लोग समझ नहीं सकते हैं स्थिति क्या है। आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आपका दाह संस्कार नहीं हो पाएगा, चाहे आप जिस भी स्थिति में हो। कुछ दिन पहले मैंने अपने आँखों से देखा था, 13 बरस की एक बच्ची जॉन्डिस की थी, बहुत बुरा परिवार का था, बहुत गरीब परिवार का था, बुरा नहीं चाहिए, लेकिन कोई समझौता नहीं। इसी तरह से घाट पर हम लोग जैसे लोगों ने व्यवस्था किया, तब उसका जो है दाह संस्कार हुआ। ये कब तक चलेगा, यह जिम्मेवारी किसका है, कौन करते हैं? ये जागरूकता अभियान चलाई जा रही है कि आज मृत्यु लोक में महामारी फैल चुकी है, कोरोना अपना स्थान बना चुकी है, इसलिए हम लोग से आकर के इस पृथ्वी लोक पर अब अपने यहाँ के जितने भी बासिंदे हैं, पृथ्वी लोक वासी हैं, उनसे आग्रह भी करते हैं, निवेदन भी करते हैं, वो अपना मास्क को लगाएं, हमेशा सैनिटाइज करते रहें, हाथों को बार बार धोएं, आप नाक को बार बार छुए, यही अपील करने के लिए इस पृथ्वी लोक पे उपस्थित हुए हैं।